सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने ताहयात नाहली को बिला जवाज करार दे दिया। वो कहते हैं कि चोर और कातिल सजा काटने के बाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मनी ट्रेल देने के बावजूद भी ताहयात नाहल कर दिया गया। अगर गलत भी था तो एक मरतबा के लिए नाहल कर देते, ताहयात नाहली नहीं बनती थी। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने हुकूमती कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। इसका जब बहरान पैदा हो के चला पीक पे पहुंच जाता है, फिर हरकत में ये लोग आते हैं। उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। जहाँ बहरान पैदा होने से पहले हुकूमत के पास हज़ार वसायल हैं, उनके पास खबरें होती हैं, उनके पास प्रोडक्शन होता है, पता होता है डिमांड कितनी है, क्या है। वक्त से पहले बहरान जैसे शुरू होता है या इब्तदा होती है ना, उस वक्त कंट्रोल हो सकता है। कि एक आदमी चोरी करता है, उसको सजा हो जाती है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। ताहयात नाहल नहीं होता। जो आदमी और इससे भी ज़्यादा कत्ल भी कर दे, वो सजा काटने के बाद वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो मुझे इसमें कोई समझा दो कि इसमें क्या वजह है कि जब मैं या मेरे जैसा आदमी, मेरे से और भी होंगे, मतलब मैं अपना मिसाल देता हूँ, सिर्फ उन्होंने मुझे ताहयात नाहल कर दिया कि वो मेरे खातों में क्यों लिखा हुआ था। अच्छा बाबा, मेरे से गलती होगी तो कहते यार अभी आप MNA के थे, हम आपको हटा देते हैं, ना करते हैं।